चलो यार चलो थोड़ा पीछे भेजेंगे अभी वो पीछे नहीं पीछे व्हील चेयर लोग पीछे पीछे फेसबुक में लेना है अपने व्हील चेयर पे बैठ के फिर ऊपर आके फिर चलाओ उसको ठीक है साइकिल वाली कुर्सी है हाथ मिलाओ हाँ ठीक है सर इसका इनका है मैंने बोला कमरा उसने बोला मैं कमरा ना बना सकता हूँ ना मतलब इसके बारे में इसको संभाल सकता हूँ मुझे टेंट चाहिए मैंने बोला ठीक है टेंट नहीं इसका कमरा बना कर देंगे इसको मजदूर लगाओ ठीक वो इसका कमरा बनाए जी फिर इसको एक व्हील चेयर दो जी जी ये दोनों काम ठीक है परेशान भाई से जाना चलो भाई पीछे हो जाओ तो मैं आपको बता रहा था कि मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि जल्दी आओ मैं सामान लेने जाता था जब तो शुरू से मैं इसी तरह बस सारे काम जल्दी करता हूँ मेरे दोस्तों को बड़ा प्रॉब्लम होता है वो कहते हैं तू इतना तेज क्यों चलता है मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि जल्दी आओ मैं सामान लेने जाता था जब तो शुरू से मैं इसी तरह बस सारे काम जल्दी करता हूँ मेरे दोस्तों को बड़ा प्रॉब्लम होता है वो कहते हैं तू इतना तेज क्यों चलता है नहीं नहीं वो मेरी कवरेज के लिए लोगों की कवरेज करे यार आप लोग इसको देखें ये आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप लोग बलूचिस्तान आए हैं आप यहाँ पे एक्टिविटीज कवर करने के साथ साथ ना इनके हालात को देखें इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं आप बताएं दुनिया को ये लोग कैसे जी रहे हैं एक आंख मेरी देख रही है एक आपकी भी देख रही है तो हम जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा दुनिया को बता पाएंगे सिंध और बलूचिस्तान के लोगों में क्या फ़र्क पाया इमरान भाई यार वो सिंध में जाके बहुत दुख होता है वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दबाया गया घर बच गया नहीं घर एक कमरा गिर गया उधर दो मवेशी थे वो नीचे हो गए अब वो घर हम बनवा देते हैं आपका दोबारा इन्होंने लिखा होगा आपका नाम वगैरह सामान आपको देंगे घर आपका बनवा इसका नहीं लिखा हुआ है घर कोई बना नहीं सकता आपका आप तो नहीं बना सकते वो मजदूर बनाएगा ना मजदूर भी चाहिए होगा आपको साथ में आपको व्हील चेयर भी चाहिए जानवर के नीचे आ गए और ये मजबूत भी आज बैठ के मिले तो ये आप मुझे वहाँ मिले थे ना रस्ते में मिलेंगे सर बिल्कुल वो फिर इसीलिए बैठा रहे खड़े नहीं होना हाँ वाले पक्षी बात है वो सारी चीज़ें भी हम साथ लाए थे।
ताकि जितनी देर में इन लोगों का घर बनता रहे इन्हें दिक्कत ना हो किसी किस्म की। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपना सामान लेकर चले गए, 100 से ज़्यादा लोग ले गए, बाकी लोग ले जाएंगे और जो मुख्तलिफ कमेटियाँ बनी हुई हैं वो उनके साथ मिलकर मदद भी करेंगी। जो लोग अपना घर खुद नहीं बना सकते और उनके पास वसाइल नहीं है, यानी अगर कोई बेवा खातून है, यतीम बच्चे हैं या कोई माजूर शख्स है, हमने प्रायोरिटी इन्हीं लोगों की रखी है कि तरजीही बुनियादों पर जो सेहतमंद लोग हैं और जो लोग कुछ थोड़ा बहुत हिलजुल कर सकते हैं वो हमारी तरजीह में नहीं थे। जो ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, लावारिस लोग हैं, वो हमारी तरजीह में थे। तो हमने सबसे पहले उनके लिए कोशिश की है और उनके लिए सामान मुहैया किया है। उनमें से जो लोग खुद घर नहीं बना सकते उनके लिए कुछ फंड्स भी मैसर किए गए हैं जो उनको दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना घर मुकम्मल करें अगले 20 दिन के अंदर अंदर। आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं मेरे से यहाँ पे कि अगले 10 से 15 दिन में यहाँ ठंड ज़्यादा हो जाएगी, अभी भी रात को सर्दी हो जाती है। तो जितनी जल्दी लोग अपने घरों में चले जाएँ, ख़ासतौर पर वो लोग जो ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें अगर अल्लाह ताला और तौफीक देगा तो हम और घर बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन 700 घरों से अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम आगाज़ कर रहे हैं। पहले भी उसी रब ने सबको छत दी थी, अब भी वही रब सबको छत दे रहा है, तो ये रब का बहुत शुक्र है। इमरान भाई इतना है ना, एक मिनट शराफत भाई ने बुलाओ यार, और थैंक यू पाकिस्तान के तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।